Hello and welcome to Catch Through Words. My name is Surbhi Khatri and in this video we will be discussing our second question, that is to derive Mayer's equation using first law of thermodynamics. In our previous video we have discussed first law of thermodynamics, its physical significance and also its limitation. तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो या तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर देख सकते हैं। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई न्यू टेलीग्राम चैनल, दैट इज फिजिक्स कैच थ्रू वर्ड्स। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स, साथ ही साथ बाकी सारे लेक्चर्स के भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो फिजिक्स कैच थ्रू वर्ड्स ये टेलीग्राम चैनल, इसमें आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है सेकंड क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का, जिसमें हमें प्रूफ करना है सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, यानी कि हमें ये मेयर्स इक्वेशन डिराइव करनी है किसके हेल्प से, फर्स्ट लॉ के हेल्प से। तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सीपी क्या है। अगर हम बात करें मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम हैविंग वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ आइडल गैस टू रेज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सियस। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स है और इसमें मैंने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज हुआ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि कितनी हीट हमने प्रोवाइड की है किसी सिस्टम पर, किसी गैस पर हमने कितनी हीट उसको दी है जिससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमने गैस ली है वो आइडल गैस है और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल। इसको हम बोलते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल सी चीज है बहुत, कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो इस गैस को अपना टेम्परेचर राइज करना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तक, और इस गैस की क्वांटिटी कितनी है, 1 मोल। तो उसको हमने कितनी हीट प्रोवाइड की है उसी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन यहां पर हमें पढ़ना है सीपी और सीबी। यहां पर अगर हम लिखें सीपी की बात करेंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको? स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर, यहां पर हम 1 डिग्री सेल्सियस नहीं ले रहे हैं, यहां तो हमें छोटा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना है, छोटी सी हीट हमने प्रोवाइड की है, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर हम डिफाइन करेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को तो कैसे डिफाइन करेंगे? डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी हैविंग अ गैस ऑफ 1 मोल, वेयर एन इज 1 मोल एंड द होल प्रोसेस विल बी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कंडीशन यही रहेगी कि हमारी जो सारी प्रोसेस होगी वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर पर, और हमने किसी सिस्टम को हीट दी जिससे उसका टेम्परेचर कितना राइज हो गया, डी टी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज हो गया, और हमने यहां पर गैस ली है कितनी, 1 मोल की। इसको हम कहेंगे सीपी, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम बात करें सीवी की तो उसके लिए जो हमें कंडीशन लेनी होगी वो लेनी होगी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर हम डिफाइन करेंगे सीवी को तो सीवी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
small amount of heat dq is given to the system to raise the temperature dt at constant volume, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे. प्रेशर वाले में भी हम इस तरह से लिखेंगे. n, n यहाँ पर हमने 1 लिया है तो n लिखने की जरूरत नहीं है और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो यह है Cp, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये हो गया Cv, दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. तो आई होप आपको अब Cp और Cv बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा. और वीडियो को मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए डायरेक्टली मैंने बता दिया है कि Cp और Cv एक्चुअली में है क्या. अब हमें डेरिवेशन में इसको कम्प्लीटली लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने इसको समझा दिया है. अब हम हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. तो Cp और Cv बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो हमें यहां पर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R प्रूफ करना है. उससे पहले क्या आपको ये पता है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, ऐसा क्यों होता है? Cp इज ग्रेटर देन Cv ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं भी पता है तो आपको इस वीडियो के एंड में जरूर समझ में आ जाएगा कि Cp ग्रेटर क्यों होता है Cv के. हम इसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R का डेरिवेशन. तो इसके लिए हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, हमें दो कंडीशन साथ में लेके चलनी है. एक है प्रोसेस को हमें कॉन्स्टेंट प्रेशर पर कराना है और दूसरा प्रोसेस को हमें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर कराना है. अगर हम बात करें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, मतलब मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और मैंने बोला गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1 मोल, और गैस हमने ली है आइडल गैस, और ये जो पिस्टन है ये हमने रखा है फिक्स. पिस्टन हमने कैसा रखा है? फिक्स, फिक्स्ड पिस्टन हमने यहां पर लिया है. फिक्स्ड पिस्टन के होने की वजह से क्या इस कंटेनर को अगर हम हीट देंगे उसका टेम्परेचर राइज होगा? क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है? क्या गैस एक्सपैंड या कंप्रेस हो सकती है जब हमने फिक्स्ड पिस्टन रखा है इसका? जब हमने इस कंटेनर का पिस्टन कैसा रखा है? फिक्स्ड. तो ना ही इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है और ना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है. इसलिए हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस कैसी है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ऑफर हो रही है. तो उसके लिए अगर हम बोले कि इस सिस्टम को हमने हीट दी कितनी, स्मॉल क्वांटिटी की dq हीट दी, जिससे इसका टेम्परेचर कितना राइज हो गया dt, जिससे इसका टेम्परेचर कितना राइज हो गया dt, लेकिन ये पूरी प्रोसेस कैसी है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हीट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? Cv dT के. ऐसे ही हमने पढ़ा था ना, क्योंकि Cv क्या होता है? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू dQ बाई dT एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. अभी हमने डिस्कस किया. तो हम यहां लिख सकते हैं कि जितनी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसके इक्वल है? Cv dT के. इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक प्रोसेस है वो ऑकर हो रही है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, एक प्रोसेस है वो ऑकर हो रही है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, मतलब यही हमने प्रोसेस ली है, इसमें हम dq हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और टेम्परेचर इसमें हमें रखना कितना है? dT ही रखना है. और साथ ही साथ हमें ये कंडीशन भी लेनी है कि प्रेशर उसका कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टेंट. तो प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए, टेम्परेचर को इतना सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक मूवेबल पिस्टन लेना होगा. मतलब सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड कंडीशन के लिए सेम कंटेनर, इसमें गैस भरी हुई है वही सेम आइडल गैस, 1 मोल लिया है, हीट इस बार हम दे रहे हैं dQ, टेम्परेचर राइज हमें सेम कराना है, और इस बार जो पिस्टन है वो कैसी है? फिक्स नहीं है, इट इज मूवेबल. पिस्टन इज
मूवेबल। अब पिस्टन मूव हो सकती है, एक्चुअली में होगा क्या, प्रेशर कॉन्स्टेंट किस तरह से होगा, अगर हम हीट देते जाएंगे तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। इसी तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा। लेकिन हमें प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखना है तो क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब जो गैस है वो क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी, इसका जो वॉल्यूम है वो जरा सा इंक्रीज हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन जो हो गई, ये कैसी कंडीशन हो गई, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो हम हीट देते हैं वो किसके इक्वल होती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो हम हीट देते हैं वो किसके इक्वल हो जाएगी, सीपी डीटी, डी क्यू इज इक्वल टू सीपी डीटी। अब अगर हम बात करें, क्योंकि हमें सीपी माइनस सीपी इक्वल टू आर प्रूफ करना है किसकी हेल्प से, फर्स्ट लॉ की हेल्प से, तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन की, इसके लिए अगर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखनी हो तो किस तरह से लिखेंगे हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। डी क्यू इज द हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है। तो इसके हिसाब से अगर हम डी क्यू देखेंगे तो डी क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं सीवी डी टी, और डी डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो डी डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डी वी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डी वी प्लस इंटरनल एनर्जी डी यू। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की, यानी कि जब हमारा पिस्टन कैसा है, फिक्स, तो क्या यहां पर वर्क हो रहा है, जब पिस्टन मूव ही नहीं हो रहा, ना तो नीचे मूव हो रहा है ना ही ऊपर मूव हो रहा है, इसका मतलब ये कि वर्क डन यहां पर हो ही नहीं रहा, वर्क डन नहीं हो रहा मतलब ये पूरा हमारा हो गया जीरो। तो इस कंडीशन में सीवी डीटी किसके इक्वल हो जाएगी, डी यू के इक्वल हो जाएगी। इतना आई होप आपको क्लियर है। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, मतलब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, इसके लिए अगर हमें फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे रहेगी, वही डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, करेक्ट। तो डी क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं सीपी डी टी इज इक्वल टू वर्क डन। अब हमने यहां देखा कि जो पिस्टन है वो मूवेबल है, और जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं यहां पर इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, साथ ही साथ यहां पर वर्क डन भी हो रहा है। तो वर्क डन आपको इतना तो पता ही होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि इस अंदर इसमें प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर को हमें कॉन्स्टेंट रखना है, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट रखने के लिए जो पिस्टन है ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और इसका प्रेशर जो है वो इक्वलाइज होता जाएगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये जैसे जैसे पिस्टन ऊपर होता जाएगा इसका जो प्रेशर है वो कैसा होता जाएगा, कांस्टेंट होता जाएगा। इसीलिए हम बात करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें कि ये जो पिस्टन है वो यहां से यहां पहुंच गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया, डी एक्स किया। अगर डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना है, डी एक्स, तो वर्क डन बाय द पिस्टन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वर्क डन आपको समझाऊं तो हम यहां देख लेते हैं कि वर्क डन बाय द पिस्टन विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना किया पिस्टन ने, डीएक्स, और इसका एरिया कितना था, ए, और प्रेशर अप्लाई हो रहा है नीचे से, गैस इस पर प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स। फोर्स को हटाकर हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द पिस्टन इनटू डीएक्स, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब हम लिख सकते हैं पी डी।
हमारा जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो लिखाएगा पीडीवी में, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे पीडीवी। आई होप आपको ये चीज अब समझ में आ गई हो, प्लस डीयू। जैसे कि अभी मैंने बोला कि हम दोनों कंडीशन में टेम्परेचर हमको सेम रखना है, और आइडल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अगर हम दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर सेम लाना चाहते हैं तो इसका मतलब दोनों की इंटरनल एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, सेम। मतलब यहां से ये डीयू जो है सीवी डीटी किसके इक्वल हो जाएगा, एस डीयू के। तो हम यहां से सीवी डीटी उठाकर कहां पुट कर सकते हैं, वहां पुट कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं सीपी डीटी इज इक्वल टू पीडीवी प्लस सीवी डीटी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें आइडल गैस इक्वेशन की, तो हमारी आइडल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और इस पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से पी डीवी प्लस वी डीपी, यही मिलेगा ना। अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड के हिसाब से पी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू एन, हमने लिया है वन मोल इसलिए वन आ जाएगा, और आर जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है इसलिए वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा आर, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, टी का। तो ये है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेकिन हम यहाँ पर जो प्रोसेस हमने ली है वो कैसी है, कॉन्स्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ये चेंज इन प्रेशर तो यहाँ होगा ही नहीं, इसलिए ये जो टर्म है ये पूरी कैसी हो जाएगी, वापस जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे ये जो पीडीवी है, पी डीवी वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर डीटी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीपी डीटी इज इक्वल टू आर डीटी प्लस सीवी डीटी, सीपी डीटी इज इक्वल टू आर डीटी प्लस सीवी डीटी। और यहां से डीटी डीटी अगर हम कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां पर बचेगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो यह है हमारी मेयर्स इक्वेशन। अब अगर हम बात करें सीपी इज ग्रेटर देन सीवी की, यानी कि मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा क्यों होता है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ इसका टेम्परेचर बढ़ा रही है और इसका प्रेशर बढ़ा रही है, लेकिन हम यहाँ इस सेकेंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर के साथ साथ इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन में वर्क डन नहीं हो रहा है, लेकिन सेकेंड कंडीशन में वर्क डन भी हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्क डन भी कर रही है और टेम्परेचर भी राइज कर रही है, लेकिन हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो जितनी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी टेम्परेचर राइज कर रही है। इसीलिए ही मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।